इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात की जानकारी पाकर आपको खुशी होगी कि यह रबर डैम बिहार में बनने जा रहा है। बिहार के गया में इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। लोग आसानी से पूर्वजों का तर्पण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में निर्देश दिया है कि सितंबर तक यह पूरा हो जाना चाहिए। 263 करोड़ की लागत से बन रहा रबर डैम इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम है। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने रबर डैम को देखा और जिस हिसाब से उसमें काम चल रहा था, उन्होंने कहा कि सितंबर तक हर हाल में इसे पूरा कीजिए। साथ ही उन्होंने कार्य से जुड़ी हर एक पहलू की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यूरोप के ऑस्ट्रिया से आए सिविल इंजीनियरों से भी बात की और कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया। 4 रबर डैम भारत में पहले से हैं। उन सभी रबर डैम से यह बड़ा है। रबर डैम के बन जाने के बाद से करीब 400 मीटर की दूरी में पूरे वर्ष पानी रहेगा। डैम के क्षेत्र में करीब 3 मीटर यानी 10 फीट पानी होगा। डैम के निकट 10 फीट से अधिक पानी होने पर पानी स्वतः उत्तर दिशा की ओर निकल जाया करेगा। फल्गु नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। इससे गया जी में आने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों को, जो यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, वे अब आसानी से फल्गु के पानी से पूर्वजों के तर्पण के साथ आचमन भी कर सकेंगे। खास बात यह है कि डैम विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास ही तैयार किया जा रहा है। यही पिंडदानी सालों भर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। रबर डैम का जायजा लेने के लिए इससे पहले सीएम ने गंगा जल उद्वह योजना के तहत मानपुर अबगीला में बनाए जा रहे जल शोधन केंद्र का भी जायजा लिया। इसके बाद वह रबर डैम पहुँचे। यहाँ से वे विष्णुपद मंदिर और फिर बोधगया के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल नालंदा नवादा गया ही विजिट करने पर निकले थे। वहाँ पर उन्हें यह देखना था कि मोकमा के हाथीदह से जो गंगा जल उठाया गया था, वह नालंदा में और फिर नवादा और गया में ठीक से पहुँच पा रहा है कि नहीं। आपको बता दें कि एक गंगा उद्वह योजना है, जिसके तहत नीतीश कुमार ने यह इच्छा जताई थी कि जो नवादा गया और नालंदा के लोग हैं, उन्हें भी पीने के लिए कम से कम गंगा जल मिले। तो उन्होंने क्या किया है कि मोकामा के हाथीदह में मोटे मोटे पाइप लगवाए हैं और बड़े बड़े मोटर के जरिए उस पानी का खिंचाव करके सीधे नवादा में, नालंदा में, गया में एक स्टोरेज करवाया जा रहा है। यहाँ पर पानी गिरने के बाद फिर वहाँ से पानी के लिए फिल्टर लगाया जाएगा, उसकी साफ़ सफाई होगी, फिर वहाँ से यह पानी लोगों के पास पहुँच जाएगा। इसके साथ ही साथ अब जब रबर डैम की बात हो रही है, तो रबर डैम भी इतना बड़ा बन रहा है जो कि पहले इतना बड़ा कभी भारत में नहीं बना, जिसको लेकर के पूरे देश भर में भी चर्चा हो रही है।